टोक्यो ओलंपिक में देश का पहला एथलेटिक्स मेडल दिलाने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में इतिहास बनाया। ओलंपिक चैंपियन नीरज को स्टॉकहोम डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 89.94 मीटर थ्रो कर पर्सनल बेस्ट दिया और नेशनल रिकॉर्ड बनाया। यह उनका डायमंड लीग में पहला मेडल है। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.3 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। नीरज अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगे। नीरज ने कहा, दिमाग में ऐसा नहीं था कि पहले ही थ्रो में इतना डिस्टेंस हासिल करना है। माइंडसेट यही था कि अच्छा खेलूं। पहले थ्रो के बाद अब लगा कि 90 मीटर थ्रो कर देंगे। मुझे अब ओरेंगन के वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है। उसके लिए मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और मैं फ्री होकर अपनी गेम खेल रहा हूँ। नीरज चोपड़ा के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।